चंडीगढ़ की जनता को सबसे पहला हमारा जो विषय है वो ये है कि गौ हत्या के भाव से मुक्त। पंजाब के आतंकवाद में हजारों लोगों का बलिदान हुआ जिसमें बड़ी संख्या में पंजाबी पंजाबी हिंदुओं को आज न्याय नहीं मिला। पंजाब में एक चुने हुए हिंदू MLA को सड़क के बीच कपड़े फाड़ के नंगा कर दिया जाए और आज तक उस काली माता मंदिर के हमले के दोषी पकड़े नहीं। राजा पुरुष इतना बहादुर राजा, हमें उसके ऊपर हमारे पूर्वज हैं, हमें अपने पूर्वज के ऊपर गर्व होना चाहिए। और हमारा दुर्भाग्य क्या है, हमारे पूर्वज को इनका इतिहास, इतना बड़ा इतिहास कोई हमसे दबा नहीं गया। मगर मैं सांसद बनता हूँ तो मेरा वादा है कि चंडीगढ़ में कोई भी व्यक्ति अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। चुनावी चर्चा के दौरान आज हमारे साथ पोरस द पंजाब पार्टी के महंत रविकांत मुनी उदासीन हमारे साथ आए हैं, जो कि चंडीगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये मंदिर तालाब पटियाला में महंत पीठाधीश्वर हैं और चेयरमैन हैं हिंदू वेलफेयर बोर्ड के। हिंदू समाज की आर्थिक संपन्नता और समृद्धि के लिए ये काम करना चाहते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी पार्टी का क्या एजेंडा है और किस तरह से जो है हिंदुओं को ये समृद्ध बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो अर्थ प्रकाश के सभी दर्शकों का और अर्थ प्रकाश की पूरी टीम का हम सबसे पहले साधुवाद करते हैं, जो हमें अपनी बात रखने का इन्होंने अवसर दिया। अब सवाल आता है कि चंडीगढ़ का चुनाव, जो ये चंडीगढ़ है, ये माता चंडी की नगरी है जी, इसलिए चंडीगढ़ की नगरी को धर्म नगरी के रूप में विकसित करना, और जहां धर्म होगा अधर्म का नाश होगा तो वहां पर तो सब सुखी होंगे महाराज जी। और चंडीगढ़ का प्रत्येक नागरिक सुखी हो, समृद्ध हो और संपन्न हो, ऐसी हमारी कामना है। और उसके लिए क्या क्या प्रयास करने आवश्यक है, आपने पिछले कुछ समय में देखा, पिछले 10 साल में 15 साल में 20 साल में चंडीगढ़ की जो जनता है वो चंडीगढ़ की जनता को धर्म से विमुख करके अधर्म की तरफ ले जाने का प्रयास किया गया अनेक साधनों के द्वारा। तो धर्म कोई किसी रिलीजन का मतलब धर्म नहीं है। धर्म ये है कि आप हर व्यक्ति अपने एक जो नियम दायरे कानून है उनका पालन करे, और भगवान, क्योंकि CCTV कैमरा हर जगह नहीं होता, भगवान हर जगह विद्यमान है। तो अगर वो भगवान का डर और भगवान में आस्था लोगों में हो तो उससे अपराध भी कम होंगे, लोगों का मोरल करैक्टर भी अप होगा। तो इससे हम ये चाह रहे हैं कि जैसे पंजाब की ये चंडीगढ़ की जनता को सबसे पहला हमारा जो विषय है वो ये है कि गौ हत्या के पाप से मुक्त करना। अब किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी यहाँ पे कौन सा कुछ चढ़वाना है, गौ हत्या कैसे हो रही है और चंडीगढ़ की जनता कैसे भागीदार है, तो हमने उसका उत्तर भी दिया साथ कि देखिए भाई, आपकी वोट से चुनी जाने वाली सरकार अगर गो हत्या करती है तो आप उस गो हत्या के पाप में भागीदार हैं या नहीं है, इस चीज के ऊपर विचार करें। तो इस देश को 75 साल हो गए स्वतंत्र हुए और 75 वर्ष में लगभग सभी पार्टियों और दलों की सरकारें आई, सभी विचारधाराओं की आ गई, वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्य मार्ग की सभी आ गए, और एक घंटे के लिए भी कभी कूचड़ खाना बंद नहीं हुआ। तो हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम चंडीगढ़ की जनता को गो हत्या के पाप से मुक्त करना, ये हमारा पहला विषय। दूसरा विषय, ये जो चंडीगढ़ का क्षेत्र है ये पोरस द पंजाब का क्षेत्र है जी। जो पोरस द पंजाब हमारी पार्टी के नाम से ही स्पष्ट है, ये पोरस द पंजाब है, ये पंजाब का नाम ही पोरस के नाम से पड़ा। ये जो अविभाजित पंजाब है जेलम में, जेलम से लेके पाकिस्तान वाला पंजाब, वर्तमान पंजाब, चंडीगढ़, कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली तक, यमुना तक का जो क्षेत्र है ये सारा पोरस का राज्य क्षेत्र है। तो इसलिए ये सारा पंजाब जो है ये पोरस का पंजाब है। तो इस पंजाब को संगठित करना, एकत्रित करना और यहाँ के सभी लोगों को सुरक्षित, संरक्षित और समृद्ध करना, तो ये हमारा विषय है। अब बात करते हैं जो वर्तमान में पंजाब है, वहां पर कई ताकतें ऐसी हैं जो पंजाब को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। पंजाब के जो भाईचारक माहौल है उसमें जहर खोलने का काम किया जा रहा है विदेशी शक्तियों के द्वारा, और उसमें यहाँ पे उनके जो एजेंट हैं, उनके जो ये कह सकते हैं जो उनके प्यादे हैं, वो काम पे लगे हुए हैं।
अगर हम थोड़ा सा पीछे चले, पंजाब ने आतंकवाद का दौर देखा, 80 का दशक चुका, उसमें पंजाब ने खून की नदियां बही, तो वो खून की नदियां पंजाबियों की बही, चाहे वो हिंदू मरा या सिख मरा, वो सब पंजाबी मरे। तो इसमें हमारे ही लोगों को एक दूसरे के खिलाफ रखा, पंजाब में हत्याओं को दौर चढ़ा और पंजाब को तोड़ने की, पंजाब को खत्म करने की साजिशें भी देशों द्वारा की गई। पंजाब के आतंकवाद में हजारों लोगों का बलिदान हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पंजाबी हिंदू थे। पंजाबी हिंदुओं को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। कितना पंजाब पर आतंकवाद में हिंदू मरा, कितना हिंदू वहां पे अपाहिज हुआ, किसी का ब्लास्ट में टांग उड़ गई, किसी की आंख चली गई, किसी बाजू खत्म हो गई, कितना इंजर्ड हुआ, और कितना पंजाबी हिंदू ऐसा था जो उठा के ले गए और ना वो घर पहुंचा ना उसकी लाश पहुंची, कितना मिसिंग हुआ, और कितना पंजाबी हिंदू ऐसा था जो यहाँ से डर के पलायन करके दूसरे राज्यों में चला गया। और आज उसकी स्थिति क्या है, आज तक पंजाब के हिंदू की किसी ने कोई चिंता नहीं करी। हमने लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में पास ढिंढोरा पीटा, परंतु किसी भी राजनीतिक दल ने हमारी हिंदुओं की मांग को, पंजाबी हिंदुओं को कोई महत्व नहीं दिया। पंजाब को, पंजाबी हिंदू को केवल अपनी किस्मत के सहारे छोड़ दिया गया। उसके बाद दूसरी तरफ 84 के दंगे में हमारे सिख बंधुओं का कत्लगत हुई, तो बड़ी गलत हुई। मरा चाहे हिंदू मरा या सिख मरा, वो हमारा मरा, पर इन हत्याओं में भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो 84 के दंगे में लोग मरे, चाहे वो पंजाब के आतंकवाद में लोग मरे, इन हत्याओं में भेदभाव नहीं किया जा सकता। 84 के दंगा पीड़ितों की तर्ज पर पंजाब के आतंकवाद पीड़ितों को भी मुआवजा और जो कंपनसेशन और जो सुविधाएं जो कुछ भी है न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए मैं अगर सांसद बनता हूं तो मैं प्रयास करूंगा। आज पंजाब के अंदर क्या स्थिति है, आज फिर उसी दौर को दोहराने की साजिश चल रही है पंजाब में बड़े स्तर पे। तीन घटनाएं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा पंजाब। पहली घटना, पंजाब में एक चुने हुए हिंदू MLA को सड़क के बीच कपड़े फाड़ के नंगा कर दिया जाता है। उसके सामने वाले लोग कोई भी हो, पर पीछे मानसिकता हिंदू और सिख में दरार पैदा करने की, पंजाब को तोड़ने की साजिश। अगर एक हिंदू MLA को सड़क में बीच बाजार में कपड़े फाड़ के नंगा किया जा सकता है, तो एक साधारण हिंदू वहां पर कहां तक सुरक्षित है पंजाब में, इसके ऊपर विचार करना बेविचार करने का विषय है। दूसरा विषय, पंजाब पे पटियाला में एक काली माता जी का मंदिर है, बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, और हजारों लाखों हिंदू सिखों की आस्था है, श्रद्धालुओं में हिंदू भी और सिख भी हैं, सभी वर्ग के सभी लोग हैं। इस मंदिर के ऊपर अटैक होता है, अगर एक इतने बड़े मंदिर के ऊपर अटैक हो सकता है, तो एक गली मोहल्ले का मंदिर कहां तक सुरक्षित है, ये भी एक विचार करने का विषय है। उसके बाद जब पुलिस उन लोगों को पकड़ना शुरू करती है अपराधियों को, तो तुरंत एक उनके पक्ष में एक दल उतरता है, एक व्यवस्था उतरती है, एक संस्था उतरती है, तो कहते हैं कि खबरदार, और तुरंत पुलिस जो है वो उनके दबाव में आकर बैकफुट पे आ जाती है, और जितने लोगों को पकड़ रही होती है, धरपकड़ चल रही होती है, उसको बीच में रोक के, बाकियों को पकड़ना तो दूर अपराधियों को, और जो पकड़े होते हैं उनको भी धीरे धीरे करके वो छोड़ देती है। और आज तक उस काली माता मंदिर के हमले के दोषी पकड़े नहीं गए। तीसरी घटना, आतंकवाद के दौर में कुछ खालिस्तानी विचारधारा के लोग जो पंजाब को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग, वो चुनाव जीते थे। आज फिर उसकी पुनरावृत्ति हुई है। संगरूर जिला है पंजाब का, संगरूर जिला से सिमरजीत सिंह मान, जो हमेशा से हिंदू विरोधी वक्तव्य देते रहे हैं और पंजाब को तोड़ने की बात करते रहे, उनका उपचुनाव में जीतना ये एक चेतावनी है। और इस चेतावनी को हमें नहीं पता भारत की सरकार, पंजाब की सरकार क्या कर रही है, क्या देख रही है। और आज फिर सोशल मीडिया पर अगर आप देखोगे तो पंजाब को तोड़ने की, पंजाब के भाईचारक सांझ को तोड़ने की और पंजाब के जितने भी जो हिंदू सिख हैं उनमें दरार पैदा करने की प्रयास बड़े स्तर पे चल रहा है, और इसको रोकना बहुत आवश्यक है। और सभी पंजाबियों का इसमें फर्ज बनता है, और पंजाबी कौन, हर हिंदू हर सिख, हमारा परिवार पंजाबी हिंदू परिवार है, और हमारा जो भेक है
वो उदासीन भेंग है। हमारे आधे परिवारों में अनंत कार्य होते हैं और आधे परिवारों में हमारे फेरे होते हैं। तो हम हमारा तो शमशान भी महाराज एक है, हमारा तो अंतिम संस्कार एक होता है, तो हमारे में तो कोई अंतर नहीं है। अब जो जो कुछ चुनिंदा लोग जो पंजाब को तोड़ना चाह रहे हैं तो उसको लेकर फिर बड़ा गहन मंथन हुआ। हमने सभी राजनीतिक दलों के पास अप्रोच करी, हमने हिंदू मंदिर एक्ट को लेकर अप्रोच करी कि हमारे जैसे SGPC बनी हुई है वैसे हमारे हिंदू धर्म स्थलों के लिए योजना बना के एक कानून बना के अरविंद केजरीवाल जी के साथ हमारा मीटिंग हुई, भगवंत मान जी के साथ हुई, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुई, चंडी जी के साथ हुई, यहाँ BJP के प्रदेश अध्यक्ष थे अश्विनी शर्मा उनके साथ हुई। तो लगभग कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके साथ हमारी मुलाकात ना हुई और जिसने हमको आश्वासन ना दिया हो। सभी ने हमारी मांगों को जायज माना पर किया किसी ने। तो फिर उसके बाद हमने विचार किया कि भाई अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो आप अपना टोल खुद बचाएंगे। अब मैं पंजाब की बात कर रहा था और पंजाब कैसे, जब हमने ये सारी घटनाओं का सारा देखा कि इस तरह से पंजाब को तोड़ने का चल रहा है तो अपने और हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं और कोई भी पंजाब के को प्यार नहीं करता, सब पंजाब के दुश्मन बने हुए हैं और पंजाब हमारी मातृभूमि है। और फिर हमने इसके बाद विचार किया कि पूरे पंजाब को इकट्ठा किया जाए। पंजाब कौन, पंजाब जब हम पंजाब का जड़ ढूंढने निकले तो क्योंकि कोई भी पेड़ जो होता है वो अपनी जड़ के साथ मजबूत होता है जी। और जब जड़ किसी पेड़ की हिल जाएगी तो आंधी एक आंधी भी नहीं झेल पाएगा और अगर उसकी जड़ मजबूत है तो बड़े बड़े भूचाल और चक्रवातों का भी वो सामना करेगा। तो हम पंजाब को मजबूत करने के लिए, इसकी जड़ मजबूत करने के लिए निकले। जब हम पंजाब की जड़ मजबूत करने के लिए निकले तो पंजाब की जड़ में हमें मिले राजा पुरुष, क्योंकि हर जगह का हर प्रदेश का एक आदर्श महापुरुष होते हैं। महाराष्ट्र के आदर्श महापुरुष शिवाजी मराठा, राजस्थान के आदर्श महापुरुष महाराणा प्रताप और पंजाब के आदर्श महापुरुष राजा पुरुष। राजा पुरुष कौन, जिन्होंने सिकंदर जो विश्व विजेता सिकंदर जो उस समय फारस होता था, पर्शिया था उस देश का नाम, ईरान जो आज का ईरान है उस समय पर्शिया था, पर्शिया की दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, उस आर्मी को मार काट करके उसके राजा को मार करके भारत की भूमि में जब सिकंदर ने कदम रखा तो उसका सामना हुआ किससे, भारत माता के सपूत राजा पोरस से। पोरस कौन, पंजाब का राजा। अगर पोरस उससे संधि करने की अपेक्षा उसको रास्ता दे देते सिकंदर को तो आज भारत भारत ना होता। तो पूरे भारत को राजा पोरस का और पंजाब का कर्तव्य होना चाहिए और राजा पोरस इतना बहादुर राजा, हमें उसके ऊपर, हमारे पूर्वज हैं वो, हमें अपने पूर्वज के ऊपर गर्व होना चाहिए। और हमारा दुर्भाग्य क्या है, हमारे पूर्वज को का इतिहास, इतना बड़ा इतिहास वो यहाँ पे दबा दिया गया, धूमिल कर दिया गया। आज पंजाब के ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि पोरस पंजाब के राजा थे। तो ये स्थिति, अब उस स्थिति में जब राजा पोरस मिले तो हमारे नायक कौन, राजा पोरस। राजा पोरस का राजपा कहाँ, जेलम से लेके पाकिस्तान वाला पंजाब, ये वाला पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा और दिल्ली तक वाला, यमुना तक वाला जो क्षेत्र है ये सारा राजा पुरुष का राज्य क्षेत्र। तो इसलिए पंजाब कहा है, ये पंजाब, ये राजा पुरुष का पंजाब, इस सारे पंजाब को इकट्ठा करना, एकत्रित करना और इस पंजाब के झंडे के तले, इस पंजाब का अपना एक झंडा, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम भारत का अभिन्न अंग है। भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद हर उंगली की अपनी एक पहचान है, हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक झंडा है। तो हमारा पंजाब का भी राजा पोरस का झंडा, हमारा पंजाब का अपना एक झंडा हो और इस अविभाजित पंजाब, इस पंजाब को हम पंजाब के रूप में संगठित करने के लिए और चंडीगढ़ से चुनाव करने लड़ने के, चंडीगढ़ माता चंडी की नगरी, माता चंडी के चरणों में आकर नमन करके हम चंडीगढ़ की नगरी पे आए हैं। और पंजाब का और हरियाणा का दोनों का मुख्यालय चंडीगढ़, विधानसभा चंडीगढ़, सेक्रेटरिएट चंडीगढ़, हाईकोर्ट चंडीगढ़। तो मतलब कहने का भाव, जो केंद्र है दोनों राज्यों का, प्रदेश का जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है इस क्षेत्र का। और इस क्षेत्र के तो यहाँ पे हम अपनी आवाज उठाने के लिए, पंजाब के लोगों की आवाज उठाने के लिए, पंजाब के हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए, हिंदू मंदिर एक्ट की आवाज उठाने के लिए, गोमाता गो हत्या बंदी कानून बनवाने के लिए, तो इन सभी विषयों को लेकर हम पंजाब की इस पावन पवित्र धरा के ऊपर हमने चुनाव में अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। हमारी किसी से कोई झगड़ा नहीं है, सभी अपने भाई बंधु हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से उतरे हों। हमारा खुद का परिवार, हमने आतंकवाद को झेला है, हमारे पिताजी के ऊपर अटैक हुआ, हमारे भाई साहब का मर्डर हुआ, तो आज तक कहीं कोई न्याय नहीं मिल पाया। और ऐसा हमारा परिवार नहीं,
ये तो एक व्यक्तिगत विषय आ गया, अदरवाइज पंजाब का ऐसे घर घर के अंदर ऐसी कहानियां पड़ी पड़ी है जिनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। वो न्याय तो अभी अभी अधूरा है, अभी एक नई उसकी तैयारी चल रही है। तो हम अपने पंजाब को बचाना चाहते हैं, हम अपने पंजाब को संगठित करना चाहते हैं। हरियाणा का व्यक्ति हमारा भाई, हमारा पंजाबी, पंजाब का व्यक्ति हमारा, हिमाचल का राणा हमारा, हिमाचल का राजपूत हमारा पंजाबी। तो इस तरह से इस व्यवस्था को लेकर हम पंजाब के, अभी जो ये चंडीगढ़ का चुनाव है इसमें हम अपना चंडीगढ़ की जनता के सामने आए हैं। आगे चंडीगढ़ की जनता को जैसा उचित लगेगा, हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो सबको पता चल ही चुका है, जो लेटर बॉक्स हमारा चुनाव चिन्ह है, और जिनको उचित लगेगा हमारे विचार से। क्योंकि तो एक चीज और मैं आपको, जो जो विचारधारा आपकी है वही विचारधारा भाजपा भी हिंदू पक्ष की विचारधारा लेके जो है आगे बढ़ रही है, तो आप उनसे कितनी समानता अपनी पार्टी की उनके साथ मानते हैं और उनको अपने साथ खड़ा देखते हैं, या अब अगर आप जीतते हैं चुनाव तो क्या उनके साथ आपका एक मिलन होगा? देखिए, सबसे पहला विषय आपके पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। आप कहते हैं कि वो बिल्कुल, जो मुद्दे हमने आपके सामने उठाए हैं इनमें से एक मुद्दा बताइए भाजपा ने कौन सा उठाया। घोषणा पत्र निकालिए, क्या उसमें गोहत्याबंदी कानून है? क्या उसमें पंजाबी हिंदुओं को न्याय की का वायदा है? क्या उसमें आतंकवाद में जो अभी जो चल रहा है, आतंकवाद की व्यवस्था चल रहा है सारा सिस्टम, इसका मुद्दा है? क्या पंजाब के पोरस, जो पोरस दा पंजाब है, इसको चुनाव घोषणा पत्र में कहीं स्थान मिला? क्या भाजपा ने हिंदुओं के लिए कोई एक कानून बनाया है? तो हमारे अगर तो ये सब मिलाया है तो फिर तो हमारी समानता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हमारी, वो अपना एक राजनीतिक दल है, वो हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो अपना राजनीति कर रहे हैं। हम तो देखिए, हम कोई वैसे राजनीति नहीं कर रहे, हम राजनीति कर रहे, हम तो केवल विचार लेकर आए हैं। ये चंडीगढ़ की जनता को तय करना है, क्योंकि ये महत्व करते हैं, ये मतदान होता है, वोट नहीं होते, वोट तो अंग्रेजी का शब्द है, ये होता है मतदान। मतदान का मतलब क्या है? अपनी मत, आपका विचार, आपका विचार जिसके विचार के साथ मिलता हो तो आप उसके पक्ष में अपने विचार का दान करेंगे, अपने मत का दान करते हैं, तो उसे कहा जाता है मतदान। ये चंडीगढ़ की जनता ने विचार करना है, क्या उनका विचार इस विचार से मिलता है? अगर चंडीगढ़ की जनता का विचार इस विचार से मिले तो चंडीगढ़ की जनता को इस मत में अपना मतदान जरूर करना चाहिए। अगर नहीं मिले, देखिए मैं एक चीज अक्सर कहता हूँ, अगर आप विषय को लेकर चलेंगे, विषय बड़ा या व्यक्ति बड़ा, हमारी नजर में विषय बड़ा, क्योंकि व्यक्ति तो होता है वो परिवर्तनशील है, व्यक्ति तो खत्म हो जाएगा, व्यक्ति का महत्व नहीं है, व्यवस्था का महत्व है। हम जो 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 अभी सांसद बनेंगे, हम बने कोई और बने, सांसद की ड्यूटी है कानून बनाना, व्यवस्था बनाना। यहाँ के चंडीगढ़ की जो समस्याएं हैं उनके लिए व्यवस्था कौन बनाएगा? सांसद बनाएगा। पिछले 10 साल किसी का रहेगा, पिछले 15 साल किसी का रहा, उन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई? उनका यहाँ पे पार्टी चेहरा बदल सकती है, पर लोग तो वोट को पार्टी को दे रहे हैं ना, तो पार्टी चेहरा बदलने से पार्टी के पाप नहीं धुल जाएंगे। तो विषय ये है कि पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जिन पार्टियों की भी सांसद यहाँ पे बने, तो क्या उन पार्टियों ने अपने सांसदों ने कोई काम किया? अगर नहीं किया तो उन पार्टियों ने अपने सांसदों को कितने नोटिस जारी किए, कितने शोकॉज नोटिस जारी किए कि भैया आपने हमारी पार्टी के नाम से आपको वोट मिला है, आप सांसद बने हो और जवाबदेही पार्टी की है, आप इसमें आपने अगर काम नहीं किया, आप अपने अपना जवाब दो। कितनी पार्टियों ने, चाहे भाजपा है, कांग्रेस में, किसी का हमारा विरोध नहीं है, पर एक हर की जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होती है, तो अपनी वो अकाउंटेबिलिटी दिखानी चाहिए। पर चंडीगढ़ की जनता को अगर नहीं दिखा पा रहे हैं तो इसका मतलब तो सीधा सीधा जनता। लेकिन स्वामी जी, एक चीज है कि हिंदू पक्ष को जो है ऊपर उठाना, ये एक अलग विषय है, लेकिन अगर आप देखो, हिंदू हो, मुसलमान हो, या सिख हो, ईसाई हो, तो उसमें एक चीज देखने को आती है कि वो तो रोजाना की जो समस्याएं हैं उनकी, जैसे महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, और परेशानियां जिंदगी भर की जो उनके सामने खड़ी है मुंह भाए हुए, तो वो समस्याओं से ज्यादा जूझ रहा है और वही उनको प्रभावित कर रही है। उनका तो एक छोटा सा एजेंडा है कि आप बड़ी शांति से जीवन गुजारें, रोजगार मिले, महंगाई के ऊपर काबू हो, हम तरीके से जो है अपने बच्चों को पढ़ा सके, स्वास्थ्य सेवाएं हमें बेहतर मिले, तो यही एक एजेंडा है। तो आपका क्या कहना है इसको? देखिए, हमने अभी आपसे एक बात कही सबसे पहले स्टार्टिंग में, जी आपने शायद उसको गंभीरता से ज्यादा नहीं ले पाया। विषय हमने कहा, यह चंडी माता की नगरी है और इसमें धर्म का प्रचार प्रसार,
धर्म के प्रचार प्रसार में क्या है? पांच बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई जी। ये पांच बुनियादी जरूरतें हर इंसान को इजी टू अप्रोच होना चाहिए। आप एक अमीर आदमी है, आप फाइव स्टार में चले जाएंगे रोटी खाने के लिए। एक सड़क पे मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आया यहाँ पर अपना परिवार पालने के लिए, वो कहाँ जाएगा? उसके लिए भोजन की व्यवस्था, उसके बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था, उसके लिए घर की छत की व्यवस्था, उसके बुजुर्ग माँ बाप है उनके लिए इलाज की व्यवस्था। एक आदमी है रिक्शा चला रहा है, और जो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है वो अगर बीमार पड़ जाएगा तो पूरा परिवार भूखा रहेगा। कमाने वाला बीमार हो गया, उसका इलाज कौन करवाएगा? तो ये चिंता कौन करेगा? ये सभी चिंताएं, ये जब हमने कहा कि ये धर्म नहीं, तो ये धर्म में यही चीज कहता है, कपड़ेदान, वस्त्रदान, अन्नदान। तो ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें सिखाता है धर्म। और कोई भी व्यक्ति, मैं अपने आपके चैनल से चलिए अब आ गए हैं, मैं आपसे तो प्रॉमिस करता हूँ, बगर मैं सांसद बनता हूँ तो मेरा वादा है कि चंडीगढ़ में कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति किसी भी धर्म जब जाति संप्रदाय से हो, चंडीगढ़ का वासी है, माता चंडी की शरण में आया है, कहीं से भी आया हो, चंडीगढ़ के जो मूल निवासी नहीं है कोई, चंडीगढ़ की जनता ज्यादातर जो है वो बाहर से आगे बसी है, कोई पंजाब से आगे बसाओ, कोई हरियाणा से आगे बसाओ, कोई किसी और क्षेत्र से आगे बसाओ, चंडीगढ़ में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, एक भी व्यक्ति बिना इलाज के नहीं मरेगा, एक भी व्यक्ति छत के बिना नहीं होगा। चाहे कितने भी लोग यहाँ पर आ जाएं, माता की शरण में है ये, माता चंडी की शरण में, इसको मैं चंडी नगरी बनाऊंगा, माता की शरण में आने वाला कभी कोई भूखा नहीं रह सकता, कभी कोई दुखी नहीं रह सकता। चंडीगढ़ की जनता को हर तरह से सुखी, समृद्ध और संपन्न करना, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। तो ये थे हमारे साथ महंत रविकांत मुनि उदासीन, जिनका कहना है कि वो अगर यहाँ से सांसद बनते हैं तो वो गो हत्या बंद करवाएंगे, अगर वो यहाँ से सांसद बनते हैं तो चंडीगढ़ का कोई लोग, कोई भी व्यक्ति जो है भूखा नहीं सोएगा, चंडी माता की जो ये धरती है, इस धरती के ऊपर जो है सुख समृद्धि हिंदुओं की हो, ये इनकी मनोकामना है और इसी एजेंडे को आगे लेकर ये बढ़ रहे हैं। साजन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए।